जी, ये बैल तो मार रही है, अब क्या करें? संता जी, खाने का सवाल, बस बस एक बार कोशिश करो ना। ठीक है। ये प्रहलाद के साथ अपना हीरा है ना, ये पट्टे वाली घंटी तो शिरडी में सिर्फ हीरा के गले में है। पर ये यहां आया कैसे? इसे तो सरकार ने बांध के रखा था। जरूर उस फकीर की करामत होगी। सरकार को इसके बारे में हमें बताना चाहिए। पर हम सरकार को बताएंगे कैसे? सरकार तो कोपर गांव गए हैं। पता नहीं सरकार आज लौटेंगे भी या नहीं। अब क्या करें पंता जी? तुम तब छावड़ी में जाते, जो कागजात लाने के लिए कहा है वो लेकर आते। चलिए चलिए। काका की बस यही एक कमजोरी है, हमेशा बात का बतंगड़ बनाता है। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अपने लंगड़ेपन को लेके इतना संवेदनशील होने की क्या जरूरत है? काकी नमस्ते। काकी एक बात पूछूं, काका साहब के पैर को क्या हुआ? क्या बताऊं, कुछ समय पहले काका के पैर में चोट लगी थी, लाख इलाज कराने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही। अब जब ठीक नहीं हो सकती तो भगवान की मर्जी मानकर उसे स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है ना। लेकिन काका है कि अपने दर्द को ही अपनी कमजोरी मान के बैठा है, मुझे भी बुरा लगता है। काश ऐसा कोई इलाज होता जिससे वो ठीक हो जाता। काकी एक व्यक्ति है जो काका साहेब के दर्द को दूर कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी लाइलाज बीमारियों को उन्होंने ठीक किया है। कौन है वो? साई बाबा। इस वक्त तुम्हारे लिए शीरा लाई हूं। बाई सम्मा,
जो पूछना है बेझिझक पूछ लीजिए। आपको मुझसे संकोच करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो कि मुझे क्या पूछना है, फिर भी बता देती हूँ। कल कुलकर्णी सरकार की बातें सुनकर मैं बहुत चिंतित हो साईं। अब तो लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे हैं जमीन को लेकर। सरकार के आदमी लोगों के मन में शक पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं तुम जमींदारी करोगे लोगों को बहला फुसला कर। आज एक जमीन मांग ली, कल कोई और मांगोगे। ये हंसी में उड़ाने वाली बात नहीं है साईं। कुछ गांव वाले भी उनकी बातों में आ गए हैं। वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि साईं ने भौतिक चीज की मांग की है। वो पूछते हैं कि साईं जमीन का क्या करेंगे, खेती करेंगे या रहने के लिए नया घर बनवाएंगे, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कम से कम मुझे तो बता ही सकते हो ना साईं। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझसे आपका ये घड़ा टूट गया। कोई बात नहीं बेटा। मुझे बुरा लग रहा है साईं, आप मुझे घड़ा बनाना सिखा दीजिए, फिर मैं आपके लिए एक नया घड़ा बनाऊंगा। इसी बहाने मैं एक नई चीज भी सीख जाऊंगा। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा चेतन कि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो। मैं मदद करूंगा इसमें, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ सामान लेकर आना होगा। कुम्हार का चाक, थोड़ी मिट्टी और पानी। और हाँ, चाक किसी बड़े आदमी को लाने के लिए ही कहना। हाँ सही, हम अभी सब सामान लेके आते हैं। मेरे सवाल का जवाब तो दो। बाईजामा, कई बार जवाब ढूंढने में हम खो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जीवन में कई चीजें टूटती भी हैं, अधूरी भी रहती हैं, और इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जो चीजें स्पष्ट नहीं है उनके पीछे भी कोई कारण होता है। एक घड़े के टूटने के पीछे भी कोई कारण होता है बाईजाम, और वो ये हो सकता है कि ईश्वर हमें और सावधान रहना सिखाना चाहते हैं, या फिर भगवान कुम्हार को अपना घर चलाने के लिए उसे रोजी देना चाहते हैं। इसी तरह अधूरे सवालों के पीछे भी कारण होते हैं बाईजामा। अगर हम ईश्वर की रचना को तुरंत ना समझ पाए तो हमें सबूरी से काम लेना चाहिए, और राम जी की योजना के प्रकट होने का इंतजार करना चाहिए। मैं सच में अभी भी नादान हूँ, व्यर्थ चिंता करती हूँ। मुझे ये समझ जाना चाहिए था कि किसी नेक काम के लिए ही तुम्हें जमीन की जरूरत है। जमीन लेने की वजह भक्तों के हित में ही होगी। अब मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगी साईं, क्योंकि मुझे इतना पता है
कि भगवान पे भरोसा करते हैं, सवाल नहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, फिर मैं क्यों आत्मग्लानि और हीन भावना से ग्रस्त हूं? क्यों? आज अगर मेरी वजह से उस बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। पहले मैं सोचता था कि लोग पीठ पीछे मेरी हालत पर तरस खाते हैं, बातें बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी मौजूदगी में भी लोग यही सब करते हैं, मैं और सहन नहीं कर सकता। सच तो कहते हैं ना लोग कि मेरी इतनी दौलत इतनी शौहरत का क्या फायदा जो मुझे मन की शांति तक ना दे सके, तो फिर मैं इसके लिए प्रयासरत क्यों रहूं, क्यों चुनाव लड़ूं? क्या होगा उससे? लोगों को और मौका मिलेगा मेरा मजाक उड़ाने का? लोग तो यही कहेंगे ना कि जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, जो खुद मोहताज है वो दूसरों के लिए क्या करेगा? अब मैं सांसारिक जीवन से उब चुका हूं, मुझे मन की शांति चाहिए। हे भगवान, तुमने मुझे इतना दिया है कि बिना भाग दौड़ किए भी मेरे परिवार का निर्वाह हो सकता है। अब मैं इस सांसारिक बंधन को छोड़कर बस आपका नाम लेकर ही जीना चाहता हूं। अजीब मुसीबत है, से देखोगे और एकाग्र होकर सीखोगे तो तुम में से कोई भी बर्तन बना सकेगा। ये रही कूथी हुई गीली मिट्टी, इसे चाक पर रखते हैं। और फिर डंडे की मदद से चाक को घुमाते हैं, ऐसे। हड़ू 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 हड़ हेट हेट हड़
कमाल है साहब, हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी बैलगाड़ी तस से मस ना हुई, लेकिन अब गाड़ी अपने आप आगे बढ़ गई। कैसे हुआ ये? गाड़ी शिरडी की तरफ घुमा लो। साहब मैं तो घुमा लूं, लेकिन बैल तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। एक बार कोशिश करो। और कहीं पिछली बार की तरह साई का ये कोई इशारा तो नहीं? आइए आइए साहब। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। बस अब मुझसे और सहन नहीं होता, मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। सबसे दूर चले जाने में ही सुख है। अब फिर से बैलगाड़ी रुक गई। समझ नहीं आ रहा कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। काका साहेब दीक्षित, नाना साहेब आप यहाँ? काका, राम जी का संदेशा तुम तक पहुंचाने की व्यवस्था की है, परेशान मत हो। अब देखते हैं तुम्हारा आना कब होता है। सोचा नहीं था आपसे ऐसे मुलाकात होगी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। काफी साल हो गए ना हमें मिले हुए। कुछ परेशान लग रहे हैं। अकेले हैं। अगर वापसी की चिंता है तो आपके गंतव्य तक छोड़ सकता हूं मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसा कैसे? आपको चलते हुए देखा मैंने, आपके पैर में तकलीफ है, इसलिए कह रहा हूं।
मैंने कहा ना मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की दया की कोई आवश्यकता नहीं है। माफ कीजिए काका साहब, किसी में दया करने वाला मैं कौन होता हूँ। सच तो ये है कि आपको देखकर मेरे मन में आदर के सिवाय और कोई भावना नहीं आती है। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है मदद लेने से कोई छोटा नहीं होता। पहले मैं भी आपकी तरह खुद को आत्मनिर्भर समझता था, लेकिन जब से मेरे जीवन में मेरे गुरु मेरे साईं आए हैं, तब से मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। उन्होंने मुझे सिखाया कि मानव जीवन का उद्देश्य लोगों की मदद करना है और जरूरत पड़े तो मदद लेना भी है। हम तो इंसान हैं, देवताओं ने भी मदद ली है। श्री राम जी ने रावण का विनाश करने के लिए अपने भ्राता लक्ष्मण जी से, हनुमान जी से और पूरी वानर सेना से मदद ली थी। दत्तात्रेय महाराज का रूप है साई, दीन दुखियों के दोस्त हैं साई, गरीबों के मसीहा हैं साई। ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई मोह, ना कोई लालच। दूसरों की सेवा में तत्पर रहते हैं वो, ना धर्म पूछते हैं, ना जात देखते हैं, ना अमीर ना गरीब, बिना भेदभाव के सबकी सेवा में समर्पित रहते हैं। आप अपना दिमाग लगाकर लोगों की मदद करते हैं, तो साईं अपना दिल लगाकर, इस फर्क कितना है। अब इंसान थक जाते हैं, साईं वो शक्ति है जो कभी नहीं रुकती। साईं कहने को तो मेरे गुरु हैं, लेकिन सच कहता हूं ईश्वर का अवतार है वो, सबकी मदद करते हैं। बड़े बड़े चमत्कार किए हैं उन्होंने, किसी का कोढ़, किसी का अंधापन, यहां तक कि प्लेग भी दूर किया है उन्होंने। एक वही है जो काका साहब का इलाज कर सकते हैं। आप एक बार काका साहब को उनके पास ले जाकर तो देखिए, अगर साई ने उन्हें ठीक नहीं किया तो आप मेरा नाम बदल देना। अगर साई ने मेरी बेटी की मदद ना की होती ना, तो आज मेरी बेटी जीवित नहीं होती। मैं तो कहता हूं आप भी जाकर साई से मदद मांग लीजिए, मुझे पूरा यकीन है साईं आपका पैर पूरी तरह ठीक कर देंगे। तुम्हारे गुरु है तो अच्छे ही होंगे, पर क्या है ना, ऐसे बहुत सारे वैद्यों के पास जा चुका है काका, अच्छे से अच्छे मर्ज ठीक करने वाले भी उसका मर्ज समझ नहीं पाए। अब तो मुझे सिर्फ अपने पति पर ही भरोसा है, वो बहुत बड़े महान थे और उन्होंने आने वाली पूर्णिमा का एक मुहूर्त भी निकाला है काका के लिए एक अनुष्ठान करने का। मुझे पता है इससे काका की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। उसका पैर चाहे ठीक ना हो, लेकिन उसे मन की शांति मिलेगी, अपनी कमजोरी से लड़ने की ताकत मिलेगी उसे। अब देखो ना, ऐसे कोई समारोह छोड़ के जाता है क्या? मेहमान इंतजार कर रहे हैं, कई नामी लोग आए हैं, वो क्या कहेंगे? काकी बेशक आप पूजा करवाइए, लेकिन एक बार साईं को दिखाने में अर्ज क्या है? मेरे पास साईं की एक तस्वीर है, उनका चेहरा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने तेजवान हैं। मैं अभी उनकी तस्वीर लेके आता हूं। आइए काकी, मुहूर्त हो चुका है। तुम सगाई की विधि की शुरुआत करवाओ, मैं आती हूँ। काका का इंतजार करना बेकार है। ठीक है, ये देखिए।
ये तो फकीर है। हाँ है, लेकिन मैंने सोचा तुम हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम तो हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मैं एक महंत की पत्नी हूँ, मर जाऊंगी लेकिन अपने काका को ऐसे किसी फकीर के पास नहीं जाने दूंगी। साई के चेहरे पे जितना तेज है, जितनी आभा है, उतनी सादगी भी है। पता नहीं इनसे मिलने का सौभाग्य मेरे नसीब में है भी या नहीं। काका, मैं तो कब से राह देख रहा हूं तुम्हारी, और तुम हो कि आते ही नहीं। ये मेरा भ्रम था या फिर मन में श्रद्धा हो तो सब संभव है। काका साहब, तस्वीर को देखकर आपको जो अनुभूति हुई है वही सच है, और जब आप उनसे मिलेंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे, तब आपको महसूस होगी उनकी महिमा, उनकी दिव्य शक्ति। आपको जल्द से जल्द साईं के पास जाना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है आपके सारे दुख दर्द वहां जाके दूर हो जाएंगे। नाना साहब, मेरा खुद से विश्वास उठ गया था, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, और जब कोई मुझे कहता कि कोई मुझे ठीक कर देगा तो मुझे सुनकर नफरत होती थी उससे। लेकिन आपकी बात सुनकर मन में आशा जगी है। साई की तस्वीर देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो साई मुझे बुला रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि साई मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसा ही होगा, साई सबके गुरु हैं। आप मेरे साथ उनके नाम का जाप कीजिए, साईं खुद अपनी ओर आप खींच लेंगे। साईं, समझाइए ना काकी को, साईं फकीर है तो क्या हुआ, साईं की दैवीय शक्तियां सब जानते हैं। वो ना किसी से कुछ मांगते हैं ना लेते हैं, सिर्फ देते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, ना अमीर ना गरीब, हर धर्म हर जाति के लोगों को एक समान इज्जत देते हैं। अच्छा हुआ बता दिया, अब तो मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी और काका को भी नहीं जाने दूंगी। दूसरे जात और धर्म के लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकती मैं, ऐसी जगह जाकर हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते। चलो। नाना साहब, मैंने तय कर लिया है कि मैं जल्द से जल्द शिरडी जाऊंगा साई से मिलने। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द साई से मिलवा दीजिए। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मूर्ति का अंगूठा हिला हो। दाते महाराज का रूप है साईं,
जब राम जी की मर्जी होती है तब चाहे दो लोग कितने भी दूर क्यों ना हो, वो उन्हें आमने सामने ले ही आते हैं। सारी विधि समाप्त हो गई, समारोह समाप्त हो गया और काका है कि गायब। भला ये कोई तरीका हुआ? ये क्या बचपना है काका? घर की बात थी इसलिए हमने संभाल लिया। अगर ऐसी हरकत अपने काम पे करोगे तो कौन संभालेगा? तुम ऐसे समारोह से और लोगों का सामना करने से कब तक भागोगे? तुम्हें सामना करना होगा, डटकर हर परिस्थिति में खड़ा रहना होगा, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आप सही कह रही आते हैं, अब मैं भागूंगा नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब संभल जाएगा, हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये अचानक इतना आशावादी कैसे हो गया? अचानक इतना परिवर्तन कैसे? आज मेरे जीवन में वो आ गया है जिसकी हमेशा से कमी थी, एक गुरु। साई बाबा। मैं सोच रहा हूं कि हम यहां से सीधे शिरडी चलते हैं। खबरदार अगर तुमने इस फकीर का नाम लिया तो। इतने बरसों से तुम्हारे धर्म की रक्षा की है मैंने, अब इस फकीर की चौखट पर जाके तुम अपना धर्म भ्रष्ट कर दोगे, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद खत्म कर दोगे। लेकिन कुछ नहीं सुनना है मुझे। अपने आत्या की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दोगे तुम उस फकीर के पास जाके। आप समझ नहीं रही आत्या। साई बाबा एक दिव्य इंसान है। अगर तुम्हारे साई इतने ही दिव्य हैं, तो कहो उनसे कि तुम्हें लेने के लिए आए। अगर तुम उसे अपना गुरु मानते हो और ये समझते हो कि केवल वही तुम्हारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, तो उनसे कहो कि वो तुम्हें शिरडी ले जाने के लिए बुलावा भेजे। ये कैसे संभव है? साई बाबा तो मुझे जानते तक नहीं। तो क्या हुआ? बिना तुम्हें मिले, बिना तुम्हें जाने अगर वो तुम्हें बुलावा भेजते हैं तो मैं मानूंगी कि उनमें कोई शक्ति है, नहीं तो तुम नहीं जाओगे। और ये मेरा आखिरी फैसला है। साई, कोई चमत्कार कीजिए, शारदा आत्या को मनाइए। चेतन, तुमसे अच्छी मटकी तो मैंने बनाई है। सबको अपनी चीज अच्छी लगती है। देखो मेरा क्या बुरा है तुमसे? अरे तुम सबसे अच्छी मटकी मेरी है, ये देखो। नहीं नहीं, नहीं सबसे अच्छी तो मेरी है। इसका फैसला मैं करूंगा। बच्चों, एक काम करो, तुम सबको अलग अलग समूह में रहकर 3 मटकियां बनानी होंगी। जब मटकियां तैयार हो जाएंगी तब मैं तय करूंगा कि मुझे सबसे अधिक कौन सी मटकी पसंद आई, और सबसे अच्छी मटकी को मैं द्वारका माई में रखूंगा। ठीक।
ठीक है साईं। चलो बनाते हैं। हाँ सबको पता है कल मेरी आजी रहमान का एक प्रसंग सुना रही थी जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि सीता मैया ने घास के एक तनके से रावण को हराया था। ये कैसे हो सकता है? जरूर तुमसे सुनने में कोई गलती हुई होगी। एक घास के तनके से रावण जैसे शक्तिशाली को कैसे हराया जा सकता है? आजी ने तो यही कहा था। साई, ये सच है ना? हाँ रागिनी, सच है। तुम्हारी आजी बिल्कुल सही कह रही थी। पर साई, घास तो कितनी कमजोर होती है कि हम बच्चे भी उसे तोड़ दे, और रावण तो बहुत ताकतवर था ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है? मैं अभी आया। मैं ऐसा क्या करूं कि आते मान जाए? मेरे मन और मस्तिष्क में द्वंद चल रहा है। आत्या को मानने में वक्त लगेगा, और अगर आप ज्यादा कोशिश करेंगे तो इससे उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। एक बात कहूं, ये तस्वीर आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे बच्चों के कमरे में अलमारी में छिपा दूंगी, जब तक वो मान नहीं जाती। दीजिए। ठीक है। वो राजी हो जाएंगी? माना वो सकते हैं, पर सबसे ज्यादा आपकी फिक्र उन्हें ही है। मुझे यकीन है वो जरूर मान जाएंगी। अच्छा, वो मैंने तुम्हें सामान बांधने के लिए कहा था, बांध दिया? कहाँ जा रहे हैं आप? बताया तो था, काम के सिलसिले में अहमदनगर जा रहा हूँ, अभी निकलना होगा वरना गाड़ी नहीं मिलेगी। अभी तो इतना लंबा सफर करके आए हैं आप, थक गए होंगे, आराम कीजिए, कल चले जाइएगा। नहीं रुक सकता अन्नपूर्णा, मेरा आज अहमदनगर पहुंचना जरूरी है। अहमदनगर या शिरडी? दोनों पास पास ही हैं। कुछ काम है या इसलिए अहमदनगर जाना चाहते हो ताकि वहां से आसानी से उस फकीर से मिलने जा सको? मेरी एक बात याद रखना काका, अगर ये उससे मिलने जाने का बहाना है तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आत्या, मैंने आज तक कभी आपसे झूठ नहीं बोला है और ना बोलूंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। तुम लोगों को कहानी सुननी है ना? मेरे पास बहुत अच्छी कहानी की किताब है, रुको मैं लेकर आई। बच्चों, मैं तुम सबको दिखाता हूं कि रागिनी की आजी के कहने का क्या मतलब था। आओ। हाँ।
ये घास देख रहे हो? ये सामान्य घास ही है ना? हाँ है। और ये देखिए साई, इसे आपने कितनी आसानी से तोड़ दिया, जरा भी ताकत नहीं लगी। हाँ ये तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, इसमें तो कुछ खास भी नहीं है। बच्चों, रामायण की कथा के अनुसार जब रावण ने सीता मैया का हरण किया था तब उसने उन्हें अपनी अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। वो रोज वहां आया करता था उन पर शादी का दबाव बनाने के लिए, लेकिन सीता मैया की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि रावण के आते ही वो एक घास का तिनका उठा लेती थी और उसे घूरती रहती थी। सिर्फ एक तिनके के सहारे से उन्होंने रावण को अपने से दूर रखा। भला एक घास रावण को कैसे हरा सकती है? लो, इसकी तो कड़ी भी टूटी है। सीता मैया ने पूरे विश्वास के साथ वो तिनका अपने आगे रख दिया, ठीक लक्ष्मण रेखा की तरह, जिसे रावण चाहकर भी पार ना कर सका। लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता मैया को छू ना सका। Da 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 da
नमस्कार मेरे दर्जी। ओम साई राम। आइए दीक्षित जी, आइए। ये आपके कागजात तैयार है। शुक्रिया। ओम साई राम। फिकर जी, ये साई आपसे बरसों बाद मिलना हो रहा है ना, इसलिए शायद आप नहीं जानते। कुछ समय पहले मेरी साई से मुलाकात हुई। उनके तेज और सादगी ने मेरा मन मोह लिया है। उन्हें मैंने अपना गुरु मान लिया है। इस घर के सारे सदस्य की सुबह साई के नाम से होती है और दिनचर्या का अंत भी उन्हीं के स्मरण से होता है। यही नहीं, साई की सादगी देख के इस घर की सभी अनावश्यक चीजें मैंने हटा दी। दूसरों के लिए जीना और भौतिक वस्तुओं के त्याग की साई शिक्षा का पालन करना, यही अब मेरे जीवन का उद्देश्य है। शायद आपको ये अजीब लगे। नहीं, मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा। दरअसल मुझे भी अभी अभी साई के बारे में पता चला, तब से मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैंने सुना है वो सबके दुखों को दूर कर देते हैं। मैं भी अपने पैर के दर्द को लेकर बहुत परेशान हूं, इसलिए सोच रहा था कि शायद वो मेरी मदद कर सकते हैं। तो अभी तक आप उनसे मिले क्यों नहीं? वो आप ही बताइए मेरी करजी, साई तो मुझे जानते भी नहीं, तो फिर वो मुझे बुलावा क्यों भेजेंगे? साई सबको जानते हैं, पहचानते हैं। आप एक बार मन से साई से कहिए तो सही, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। साई, मैं आपके पास आपके बुलावे पर ही आ सकता हूं। एक बार आप पुकारे तो सही। सही, अगर आप ये जमीन स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हरिओम। फकीर का चेला बनते ही तुम कितने विवेकहीन हो गए हो। दुनियादारी भूल बैठे, बहुत ही सोच संभल कर चलने वाले तुम इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा सकते हो? अवैध काम कैसे कर सकते हो तुम? सोच समझ कर बहुत चला सरकार, पर साईं की शरण में आने के बाद समझ में आया। मैं तो बहुत नीचे गिर गया था। अपनी सोच को साईं की भक्ति में अर्पित कर देने के बाद संभलने की आवश्यकता ही नहीं रही। अब तो जो है साईं की इच्छा। मीरकर जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए।
लोग यहाँ बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। कैसे आना हुआ? साई ने हमें यहाँ भेजा है और कहा है कि हमें यहाँ से कुछ अपने साथ शिरडी ले जाना है। अपने साथ शिरडी ले जाना है? जी। लेकिन साई ने तो ऐसा मुझे कुछ कहा नहीं, और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं साई की सेवा में शिरडी भेज सकूं। लेकिन साई ने तो कहा था कि उनकी अमानत लानी है, और साई कभी भी बेवजह कुछ नहीं कहते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप साई को जानते हैं? मैं परिचय कराना ही भूल गया। आइए आइए, इनसे मिलिए। ये है काका साहब दीक्षित। प्रणाम। प्रणाम। ये कई दिनों से साई से मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन किसी कारणवश ये साई के बुलावे के बिना शिरडी नहीं जा सकते। और दीक्षित जी, ये है मारसापति जी और माधव जी। जानते हैं, मारसापति जी वो शख्स है जिन्होंने पहली बार साई को साई नाम से पुकारा था। आओ साई। हम साई को जिस नाम से जानते हैं वो इन्हीं की देन है। काश मैं भी साई से मिल पाता। समझ लीजिए, आपका साई से मिलने का समय आ गया है। दीक्षित जी, मैं समझ गया कि आप ही वो अमानत हैं जिसे लाने के लिए साई ने हमें यहाँ भेजा है। मीरकर जी ने कहा था ना कि आपको साई के बुलावे का इंतजार है, तो देखिए साई ने हमें यहाँ भेज दिया अपनी अमानत लाने के लिए, जो कि आप हैं दीक्षित जी। साई आप सच में विश्व के गुरु है। शारदा आत्या, आपने कहा था अगर साई खुद मुझे बुलाए तो शिरडी जाना, तो देखिए साई के बुलाने पर ही शिरडी जा रहा हूं। पति जी चलिए, मुझे मेरे साई के पास लेकर चलिए। ओम साई राम। और किसने कहा कि मैं अवैध काम कर रहा हूं? या यहां कोई अवैध काम हो रहा है? तो तुम्हें यह बताना होगा कि यह भूमि तुम किसे दे रहे हो? इस फकीर को ना? ये पाखंडी जो देशद्रोहियों को, क्रांतिकारियों को, अंग्रेज सरकार के शत्रुओं को आश्रय देता है, इसे? मुझे पूरा विश्वास है ये पाखंडी अपनी अवैध योजनाओं की पूर्ति के लिए ही ये भूमि ले रहा है। सरकार कौन कैसी योजना बना रहा है और क्यों, ये मालिक जानता है।
और रही बात द्रोह की, तो ये तो इंसान की नजर का फर्क है। मेरी नजर में तो सबसे बड़ा द्रोह, सबसे बड़ी गद्दारी होती है अपनों से, जो अपनों का साथ न दे, अपनों का हक मारे और गैरों का साथ दे, वो होता है सबसे बड़ा देशद्रोही। अपने ही देश में अपने ही हक के लिए लड़ने वाले लोग देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? फकीर, तेरी इसी भाषा में इन गांव वालों का अहित छुपा है। जानता है ना अंग्रेज सरकार की शक्ति, उनके बनाए हुए नियमों की अनदेखी करके, नियमों को भंग करके तू ये भूमि हड़पने की मत सोच। आपसे ये किसने कहा कि साईं ये जमीन अपने लिए ले रहा है? सारा गांव जानता है भूमि की मांग इस फकीर ने की है। मांग की है लेकिन अपने लिए नहीं। और हम तो यहाँ सिर्फ भूमि का अवलोकन करने के लिए आए हैं, देखने आए हैं सिर्फ। ये जमीन तो उस व्यक्ति के यहाँ आने के बाद ही बेची जाएगी। फिर तो तुझे मैं ये भूमि किसी अनजान व्यक्ति को बेचने नहीं दूंगा। बिना जाने पहचाने ऐसे कैसे मैं अपने गांव की भूमि की बिक्री होने दूं? यदि वो व्यक्ति अपराधी हुआ तो बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को आप जमीन खरीदने से रोक नहीं सकते सरकार। अगर वो शख्स कानून का पालन करने वाला नागरिक हुआ तो हवा में बातें मत कर गंगाराम। ये हुआ वो हुआ, ऐसा होगा वैसा होगा, इसमें कुछ नहीं रखा है। मुझे सारी बातें स्पष्ट चाहिए। तुझे 10 दिन का समय देता हूँ। यदि वो व्यक्ति दी गई समय सीमा के अंदर आकर ये स्पष्ट करेगा कि अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए भूमि के नए नियमों का पालन करेगा तो फिर तो ठीक है, यदि नहीं तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भूमि लेने की योजना देशद्रोहियों के लिए ही थी। तुम तो जानते हो गंगाराम, इन दिनों ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों का, देशद्रोहियों का कैसे दमन कर रही है। एक बार केवल ये घोषित करने की देर है कि ये व्यक्ति देशद्रोही है। फिर और कोई साक्ष्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। फिर जीवन भर सड़ते रहो कारागार में। हरि ओम। दस दिन, केवल 10 दिन है तुम्हारे पास। साईं, वो आदमी कब आएगा? श्रद्धा और सबूरी गंगाराम।
हो? मटकी बन गई? हाँ साईं, लेकिन कोई भी ढंग की नहीं बनी। हम सब हार गए। रागिनी, हार जीत सिर्फ इंसान के दिमाग की उपज है। हमारा प्रतियोगी कोई और नहीं, स्वयं हम खुद होते हैं। कल तक तुम में से किसी को भी मटकी बनाना नहीं आता था, आज आता है, इसलिए तुम अपनी तुलना कल से कर रहे हो। तो इस हिसाब से तुम सभी जीत गए, है ना? आप सही कह रहे हैं साई, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इनमें से किसी भी मटके का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उस लायक ही नहीं बने हैं। और द्वारका माई में रखा हुआ मटका तो हमसे फूट गया था। बच्चों, एक काम करो, मेरे बनाए मटके में से इन तीनों मटकियों में पानी भर दो। बच्चों, तीनों मटकियों ने पानी को अच्छे से संभाल के रखा है। बच्चों, मटकी की आकृति यह सुंदरता मायने नहीं रखती, उसकी उपयोगिता मायने रखती है। इसमें हम जो कुछ भी भर के रखते हैं वो सलामत रहे, इतना ही जरूरी है। अब एक एक करके इन तीनों मटकियों का पानी मुझे पिलाओ। रागिनी, तीनों में शुद्ध पानी है और इनमें से किसी में भी कहीं से पानी रिस नहीं रहा। इसका मतलब है कि बर्तन अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। जब इन मटकियों के आकार और रंग से पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हमें क्यों पड़ना चाहिए? इंसान का रंग रूप नहीं, उसके अंदर की अच्छाई मायने रखती है। उसी तरह बर्तन कैसा दिखता है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो ये
कि वो अपना काम करता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये तीनों मटके बेहतर हैं। मैं इन तीनों को द्वारका माई में रखूंगा। मैंने ठीक कहा ना काका? इंसान के अंदर जो है वो मायने रखता है, ना कि वो जो बाहर है। बच्चों अब तुम सब खेल लीजिए। बहुत देर कर दी आते आते, बड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। काका आओ अंदर आके बैठो। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। अपने पैर का इलाज कराने सुना है आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। मेरी मदद कीजिए साई, मुझे इस असहाय पीड़ा से निजात दिलाई है। पीड़ा के साथ मैं तिल तिल करके जी रहा हूं। मुझे इसने विकलांग बना दिया है। काका तुमने खुद को तन से ही नहीं मन से भी विकलांग बना लिया है। बाहरी विकलांगता ठीक हो सकती है लेकिन आंतरिक का क्या? शरीर की पीड़ा तो ठीक हो जाएगी लेकिन इतने समय से तुमने मन में जो पीड़ा भर रखी है उसका क्या? मैं
मैं कुछ समझा नहीं साई। ऐसा कई बार कई लोगों के साथ होता है काका, जब कोई विकलांगता से पीड़ित होता है तो वो इंसान आत्मविश्लेषण आत्ममंथन करना बंद कर देता है, अपनी योग्यता को भुलाकर दुनिया की ओर देखने लगता है, सोचने लगता है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती होगी। मन में जब खुद के बारे में नकारात्मकता भरी हो तो विचार भी वैसे ही आएंगे, और यही कारण है कि वो हार मान लेता है। वो ये धारणा बना लेता है कि वो औरों से कमजोर है, इसलिए वो उनसे किसी भी क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर पाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। इस तरह वो आत्मविश्वास खो देता है और खुद को इस दुनिया में और इस दुनिया के लिए अयोग्य समझने लगता है। उसकी हीन भावना उसे किसी बाहरी शत्रु या चोर डाकुओं द्वारा पहुंचाने जाने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी चोट या कमजोरी से इंसान प्रेरित हो जाता है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो किसी से कम नहीं है, और ऐसा इंसान दुनिया में वो मुकाम हासिल कर लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो ऐसा कुछ कर लेगा जिसे करना किसी स्वस्थ व्यक्ति के वश में भी नहीं होगा। काका, तुमने भी तो ऐसा ही कुछ किया है ना? तुम नहीं चाहते थे कि कोई तुम्हें दूसरों से कमतर समझे, इसलिए परिश्रम करके तुमने खुद को इतना आगे बढ़ाया कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने लगे। अपने बूते पर तुमने कानूनी सलाहकार का व्यवसाय स्थापित किया, उसमें सफलता प्राप्त की। साझेदार जितनी कड़ी मेहनत की, बतौर सलाहकार तुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। इतना ही नहीं, दान पुण्य और लोगों के कल्याणार्थ कार्यों में भी तुम शामिल रहते हो। समाज में दबे, कुचले, पिछड़े, गरीब तबके के लोगों की आवाज बनकर तुम बॉम्बे परिषद में मुखर होते हो, जिससे गरीबों को जीवन में अवसर प्राप्त हो। भिकाजी की बेटी की पढ़ाई को लेकर मासूमों को न्याय दिलाने तक तुमने वो काम किए हैं जिससे दुनिया की नजर में तुम्हारी इज्जत और रुतबा बहुत बड़ा है। तुम समाज के माननीय हो काका। इतनी मेहनत तो तुमने अपने पैर को चोट लगने से पहले भी नहीं की थी। मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, आपने सब कुछ बिल्कुल ठीक कहा। पैर की पीड़ा से अधिक मुझे मन की पीड़ा ने सताया है। मैं तो यहां ये सोचकर आया था कि यहां मेरे लगड़ेपन का इलाज होगा, लेकिन साई, आपकी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जैसा भी है ठीक है। आखिर शरीर तो आत्मा का एक चोला भर है ना,
साई अब मुझे अपने शरीर का लंगड़ापन दूर नहीं करना है, मेरी आत्मा का लंगड़ापन दूर करना है। मुझे सुकून चाहिए साई, सुकून। मुझे ईश्वर के करीब जाना। अल्लाह मालिक। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई 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 ये क्या? मेरे पैर का दर्द अचानक कम हो गया। ये तो होना ही था, जिसे साई का आशीर्वाद मिले उसके दुख दर्द तो कम होने ही हैं। शारदा आत्या, आप साई को समझ ही नहीं पाई हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप साई से मिलेंगी तब आप उस भावना को महसूस करेंगी जिसकी मैं बात कर रहा था, फिर आप भी इन्हें अपना गुरु बना लेंगी। तुम थक गए होगे काका, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। शाम को यहां प्रवचन होता है, तुम भी आना। जी साहब, लेकिन मैं यहां रुकूंगा कहां? आप मेरे साथ चल के रह सकते हैं, मेरा घर सामने ही है। इन्हें मेरे घर रुकने दो माधव, वैसे भी मैं अकेला ही हूं, पार्वती और मार्तन तो यमुना के घर पर ही हैं। इन्हें अपने हिसाब से रहने की जगह भी मिल जाएगी और मुझे भी साथ मिल जाएगा। प्रणाम साई। राम जी भला करें। साई, ये मेरा चचेरा भाई सूर्यकांत है और ये इसकी धर्मपत्नी रत्ना। ये दोनों बड़ी आस लेकर आए हैं आपके पास, बोलो ना। हाँ साई, कुछ महीनों से मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मैं जिस कारखाना में काम करता था वो बंद हो गया और लाख कोशिशों के बाद भी मुझे कोई दूसरा रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी में उधार लेके हमने दिन काटे और अब साहूकार छाती पर सवार है अपनी उधारी वसूलने के लिए। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, हमारी मदद कीजिए साईं, हमारी मदद कीजिए। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन आज नहीं, तुम दोनों कल क्यों नहीं आते? कल मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। कल क्यों बुला रहे हैं? मैंने तो सुना था साई अपनी जेब से तुरंत पैसा निकाल के देते हैं सबको, फिर मुझे इंतजार करने के लिए क्यों कहा? वैसे तुम ठहरे कहां हो, पीवा के यहां? नहीं साई, मेरी छोटी सी झोपड़ी में बामुश्किल से मेरा परिवार समाता है, इसलिए इन्हें वही ठहराया है जहां आपसे मिलने आने वाले आपके सभी भक्त ठहरा करते हैं, धर्मशाला में। अच्छा साहिब, अब हम चलते हैं। सूर्यकांत जी रुकिए, मल्खापति जी मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपके यहां नहीं ठहर पाऊंगा। लेकिन क्यों काके सर? क्योंकि जहां साई से मिलने आने वाले सारे साई भक्त ठहरते हैं, मैं भी वहीं ठहरूंगा। धर्मशाला में।
लेकिन काका साहब वहाँ बहुत भीड़ रहती है, आपको बहुत असुविधा होगी वहाँ पर। हाँ काका साहब, आप जैसा व्यक्ति वहाँ कैसे रह सकता है? वहाँ सोने के लिए तो बिस्तर भी नहीं होता, और वहाँ जो भी साई भक्त आते हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर अपने साथ लेकर आते हैं। जो भी है जैसा भी है, जैसे सारे साई भक्त रहते हैं, मैं भी वैसे ही रहना चाहूंगा। सुनिए, क्या आप उस कोने में सो जाएंगे? ये मेरा ही परिवार है और मैं भी इन्हीं के साथ सोना चाहता हूं। जी ठीक है, कोई बात नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इनकी बांबी ही बंद कर दूं, जिससे ये इधर आना जाना बंद करते हैं। लेकिन इनका तो घर है ये। हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे प्रणाम साईं। रात को ठीक से नींद आई ना? जी साईं, लेकिन कल रात मेरे साथ एक अजीब घटना हुई।
धर्मशाला में जगह बिल्कुल नहीं थी, तो मैं बाहर आकर बैठ गया। फिर मेरी आंख लग गई और रात में कोई एक कंबल मुझ पर डाल गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं चकित था। मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन इस कंबल की वजह से मैं ठंड से बच गया। मैं अपने उस मददगार को धन्यवाद भी नहीं कर सका। काका, अगर तुम चींटियों का ख्याल रखोगे तो किसी ना किसी को तुम्हारा ख्याल भी रखना ही होगा ना। जी वाली बात आपको मतलब ये कंबल आप सॉरी, जब आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। जी वो देखिए, उस फकीर के पास एक नया आदमी बैठा हुआ है। कहीं ये वही देशद्रोही तो नहीं? ये तो काका साहब दीक्षित है। उनके कुछ समय पहले सरकार इसके पास गए थे अपनी जात साजी के मामले में सौदा करने, और इसने सरकार को गांस में डाली थी। हाँ, तो चार बातें सुनाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। याद आया पंता जी, और सरकार ने इसका सारा गुस्सा हम पर निकाला था, हमारे एक हफ्ते की पगार काट ली थी उन्होंने। पर ये तो बहुत बड़ा वकील है ना, फिर वो इस फकीर के पास क्या कर रहा है? चलिए पता लगाते हैं। शाम को जब सरकार कोपर गांव से लौटेंगे तो ये खबर सुनकर हम दोनों जासूस को इनाम देंगे। सच्ची? चलिए। प्रणाम साई। प्रणाम साई। राम जी भला करें। माफ करना सूर्यकांत, आज मैं तुम्हारा काम करना भूल गया, तुम दोनों कल आना। साई की आज्ञा को मना नहीं करते, साई की हर बात में हमारा ही भला होता है। चलते हैं साई। चल। साई, मुझे अब घर वापस जाना होगा। दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़कर जाऊं, लेकिन एक मुकदमे की कचहरी में सुनवाई है, तो उसे घर वालों को बताकर भी नहीं आया था कि यहां आने वाला हूं। घर वाले कल से मेरी राह देख रहे होंगे, अगर आज नहीं गया तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है काका, जाओ, लेकिन काम पूरा करके दोबारा जरूर आना। साई, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये मुकदमा जीत जाऊं। मैं वादा करता हूं कि जीतते ही अपना वादा निभाने आपके पास आऊंगा। अल्लाह मालिक।